Now, Sri Madhusudan Mistry. Sir, I thank you very much for allowing me to speak on the Mines and Mineral Development and Regulation Amendment Bill. The bill is small, but I wanted to draw the attention of the Minister on the plight of the people who are living in the mining areas. I hope the Minister is listening. Yes. Minister listening, I believe. I don't know. Yes. मैं आशा रखता हूँ कि मिनिस्टर साहब सुन रहे हैं. मुझे पता नहीं कि आप नोट ले रहे हो या ध्यान में हो. मैं आपका ध्यान इसलिए आकर्षित कर रहा हूँ कि देश की सभी खदानें, बहुत सारी खदानें सभी आदिवासी इलाकों के अंदर हैं. उनके 8% पॉपुलेशन है. मेरी पहले की जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी थी, इसे बहुत बड़े पैमाने के ऊपर मार्बल है वो बहुत निकलता था, और उसी की कहानी मैं आपसे है तो ध्यान में लाता हूँ, क्योंकि पूरा साउथ राजस्थान और गुजरात के साउथ राजस्थान से गुजरात का जो इलाका जो लगा हुआ उसके अंदर ये एक्टिविटी बड़े पैमाने के ऊपर चल रही है. मैं आपके ध्यान में, आपको संज्ञान में तो है, मेरा हिंदी बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन मैं आपसे बता रहा था, आपके संज्ञान में तो होगा ही कि देश में जितनी भी वायलेंट एक्टिविटी ट्राइबल एरियाज़ के अंदर और फॉरेस्ट एरियाज़ में चलती है उसमें माइन एक बहुत बड़ा कारण है. और उस कारण ये भी है कि उससे एक डिप्राइवेशन लोगों को फील होता है कि हमारी खुद की ज़मीन जो हम बरसों से बाप दादाओं के और से ज़मीनों के अंदर थी, सरकार ने उसको माइन के हिसाब से ले ली. वो एस्बेस्टोस की माइन हो, गोल्ड की माइन हो, वो दूसरे किसी भी मिनरल्स की माइन हो, उसके अंदर से उनको वहाँ से हटाया गया. डैम के नाम पे भी हटा गया और मिनरल के नाम पे भी हटा गया, फॉरेस्ट के नाम पे भी हटाया गया. हमारा स्लोगन रहा, मैं सबकी बात कर रहा हूँ आज की नहीं, कि नेशनल इंटरेस्ट मस्ट प्रीसीड द लोकल इंटरेस्ट. तो लोकल इंटरेस्ट को एक बाजू रख के हमको नेशनल इंटरेस्ट के अंदर सब चीज़ हम उसके नाम के ऊपर आगे चलाते गए, लेकिन वी हैव कम्प्लीटली निग्लेक्टेड द पीपल ऑफ द लोकल एरिया एंड लोकल पॉपुलेशन. क्या स्थिति है सर आज माइंस के अंदर? मार्बल राज में जाते हैं, ब्लास्टिंग होता है, आदमी मर जाता है, तो उसकी लाश घर पे अगर जो माइग्रेंट वर्कर है तो उसको पहुंचा दिया जाती है, कॉम्पनसेशन उसको मिलता नहीं. सब लोकल कैजुअल वर्कर है, किसी के पास के अंदर परमानेंट वर्कर और स्किल वर्कर सब बाहर से आते, बाकी के जो मजदूर हैं वो आदिवासी और रोक है तो उसके उसमें साथ में लगते. उससे लगे हुए जितने भी खेत है उसके अंदर जो नुकसान होता है वो उसको मालिक को उससे कुछ है तो लेना देना नहीं है. लेबर मिनिस्ट्री उसमें काम नहीं करती. लेबर का हमारे यहाँ जो केस है उसका यहाँ से 300 किलोमीटर के ऊपर लेबर ऑफिसर की ऑफिस और वहाँ पर एडजुडिकेशन और कंसीलिएशन के केस चलते. कौन सा आदिवासी वहाँ ले है तो केस लेके जाएगा? कौन है तो हाई कोर्ट और है तो सेशन कोर्ट के अंदर कॉम्पनसेशन के लिए केस है तो फाइल करेगा? कैजुअल लेबर परमानेंट जो चलते हैं उनके और उनको कैजुअल गिना जाता है, तो उनकी ग्रेच्युटी प्रोविडेंट फंड इसका कौन हमारे यहाँ से मॉनिटर करता है? उसके अंदर जहाँ पर मालिकी के अंदर नीचे के हिस्से के अंदर अगर जो मार्बल है तो वहाँ पर एक मॉडस अपरेंडी ऐसे अपना ही हो कि मैं मालिक हूँ, मैं लेना चाहता हूँ तो वह आदिवासी को मैं मेरा पार्टनर बनाता हूँ, 3 साल बाद उसको है तो वहाँ से निकाल देता हूँ, मैं ओनर करता हूँ उसके अंदर से, और माइनिंग मेरी पूर्ती चलती रहती है, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है तो उसके अंदर है तो साथ में देता है. जिस माइन में से करोड़ों रुपया स्टेट भी कमाता और प्राइवेट भी कमाता, उसकी जो झोंपड़ी है उसके अंदर तो वही हालत है. और मैं रियलिटी की बात कर रहा हूँ, इसमें एग्जेगरेशन नहीं है. आप अगर जो नीचे के अंदर तब जैसे चला जाओ आबू रोड से निकल के खेड़ ब्रह्मा की ओर से गुजरात का और साउथ के अंदर उदयपुर वाला जो पूरा रीजन है उसमें आप चले जाओ तो आपको दिखाई देगा मलबे उसमें से साफ करके नदियों के अंदर डाले जाते हैं या है तो उसकी वैली के अंदर डाले जाते हैं. खेत खराब होते हैं, किसी को उसके अंदर कोई ले है तो लेना देना नहीं है, कुछ पड़ी नहीं है. मेरा हो गया तो मैं चलता हूँ, मैं मालिक का मिनरल्स का ओनर हूँ तो माइंस का ओनर हूँ, इसकी वजह से तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ. थेफ्ट, सेंचुरी के नज़दीक में माइन होने के बाद अंडरग्राउंड आप कितना जाते कुछ पता नहीं चलता, कोई चेक करने नहीं जाता उसके अंदर से कि वाकई जितना एरिया दिया गया उसी के अंदर माइनर हो रहा है कि और भी अंदर जा रहे हैं उसके अंदर, नो चेकिंग. ये जो परिस्थिति जो मेन जो सिविलाइजेशन अथवा तो डिस्ट्रिक्ट टाउन से 200 किलोमीटर 250 किलोमीटर 300 किलोमीटर अलग अलग जो जगह के ऊपर है उस पर ये हालत है.
इसमें जितना मालिक जितना पैसा तंत्र को या जितने जो एडमिनिस्ट्रेशन को जितना पैसा खिलाएगा उतना वो ज़्यादा माइनिंग करेगा, उतना ज़्यादा वो रूथलेसली जो है आजू बाजू के लोगों के ज़मीन के ऊपर कब्जा तो या तो लीगली या इलीगली करके भी माइनिंग करेगा। ये प्लाइट होने की वजह से ज़्यादा करके ट्राइबल एरिया के अंदर एक रिसेंटमेंट, एक वायलेंस का जो एटमोसफियर पैदा हुआ है उसके अंदर माइनिंग का हिस्सा मिनिस्टर साहब कम नहीं है। मैं आशा रखता हूं कि आप जो ये लाए हैं उसके अंदर है तो ये है तो बढ़ा लिया जाए। मैंने बहुत साल पहले हमारी सरकार को, गुजरात सरकार को, इसमें से करोड़ों रुपये आप लेके जाते हो डेवलपमेंट के लिए, क्या किया? आप सेस क्यों नहीं डालते उसके ऊपर? टैक्स डालते हो, सेस नहीं डालते हो? सेस डालते हो उसका यूज़ क्यों नहीं होता? पीने के पानी के लिए मैं कॉलोनी में तो पानी देता हूँ लेकिन उसके पास के अंदर गांव के वालों को पानी वो नहीं मिलता है। स्कूल में नहीं चालू करता हूँ लेकिन उसके बच्चों को स्कूल के अंदर है तो एडमिशन नहीं मिलता। क्यों आखिर ये डिस्क्रिमिनेशन? जो माइनिंग एरियाज है जिसके अंदर कंपनियां माइनिंग कर रही है, जिसके अंदर बाहर से लोगों को बसा के स्टील को ऑपरेट करती है, लोकल पॉपुलेशन को क्यों डिप्राइव किया जाता है? उसका भी कोई राइट्स है या नहीं? परिस्थितियां ऐसी है क्योंकि आदमी अवेयर नहीं है, लीगली लड़ नहीं सकता, ओरल एक ट्रेडिशन रही है उनकी कि रिटर्न ट्रेडिशन है नहीं। इस परिस्थितियों के अंदर जिस तरह जहाँ जहाँ पर हमने माइनिंग किया, इट नीड ए वेरी स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग आई थिंक आइदर फ्रॉम योर डिपार्टमेंट और फॉर ऑल द अदर डिपार्टमेंट इन दैट सेंस, बिकॉज वी हैव कम्प्लीटली निग्लेक्टेड स्पेशली द पीपल हु आर लिविंग इन द ट्राइबल एरियाज है तो मैक्सिमम। और इसकी वजह से सर रीजनल डेवलपमेंट आई एम जस्ट टॉकिंग ऑफ what say there is a completely imbalance in the regional development where everything goes from a tribal area, whether it is a water, whether it is a mining, whether it is a you know from forest, all dams are built on this, people are being migrated, people are being uprooted, but what is coming from those area to here? All consumer goods, everything is being taken, hardly anything comes from there, from the, and as a result what has happened is the entire tribal area by and large remain completely, either there is a mining but no any other activity of employment. NREG aapki kaam nahi karti, karti hai kaam to paisa nahi deti. Main bhi mere adarsh gaon ke andar gaya tha parso ke din, pehli meka tha, main bola dekho to sara mere adarsh gaon ke andar kya halat hai sab, 1.5 saal mein 23 kaam likh ke diye, ek ki kaam nahi hua. उसके अंदर पीने का पानी हफ्ते के अंदर एक बार आता है, उसके अंदर पूरी मजदूरी नहीं मिलती। ये जो स्थितियां जो है हमारे उसके अंदर, इसकी वजह से इतना बड़ा रिसेंटमेंट हो रहा। मैं आपसे प्ली करता हूँ, मैं आपसे ये अपेक्षा नहीं रखूँ कि मेरी सरकार ने कुछ लिए नहीं किया इसलिए हम भी नहीं करेंगे, या तो हम भी 50 साल लेंगे या 60 साल लेंगे। नॉर्मली जो एक आर्ग्यूमेंट सामने से आती है कि आपने 60 साल में क्या किया, आपने 45 साल में क्या किया, या आपने 50 साल के अंदर क्या किया, दैट इज़ नॉट एन आंसर। The answer lies that we will have to look at the entire mining policy, labor policy, industrial policy, everything in another completely different way. This is 8 and nearly 10 crore people living in this region, and in a sub, you know, the human condition by and large. If you look at it, whether it is a health facilities, you know, or whether it is an income. It is this income, sir, which has been resenting, you know, the every time agriculture produce you don't get the enough income because the prices, you know, at the end of it they produce you are not getting the enough prices. Now आपने आधार कार्ड डाल दिया तो इसकी वजह से पहले मैं फर्टिलाइजर में पैसे डालूंगा और उसके बाद के अंदर आपकी सब्सिडी आएगी। अभी मैं 1000 रुपये में 3 थैली यूरिया खरीदता हूँ, पहले अब मुझे 3500 रुपये देने पड़ेंगे तो 3500 रुपये होंगे नहीं और मैं 3 थैली है तो यूरिया खरीदूंगा नहीं। ये हालत है फॉरेस्ट है तो फॉरेस्ट एरिया के अंदर, जो आज साहब पीछे बैठे इस वजह से बता रहा हूँ आपको कि फॉरेस्ट लैंड के ऊपर कानून हुआ 2005 के अंदर, एंड ऑल द पीपल हु आर कल्टीवेटिंग द लैंड बिफोर 2005 वेयर मेड एन ओनर बाय द एक्ट, बट हार्डली वेरी फ्यू गवर्नमेंट हैज टेकन ए प्रोएक्टिव स्टेप टू सी टू इट दैट यू नो दोस लैंड इज बीन गिवन टू देम। इफ द लैंड इज नॉट गिवन, इफ द फॉरेस्ट राइट्स आर नॉट गिवन, इफ द कम्युनिटी राइट्स आर नॉट गिवन, what the, and still everything just goes out of them, what the people say, say still then have to do to it, they will simply resort to that kind of a resentment, sir, in a time to come. I look and I appeal, you know, to the minister to see to it that it is not simply mining. Whatever we, most of the bill that we are getting is for industry, no bill is coming for the people as such as a large which will going to benefit to them for a future in a generation to come. We have never ever thought that how these communities, whether it is casual labor, agricultural labor. I was just talking on the other day, there are 14 crore agricultural laborers in this country.
hardly anything in the last, you know, the budget, in the budget, except the NREGS things. Everything is for the industry. The industry is to be given, and my friend Tapan was right. Are we been transferring even the captive, you know, the land which is given to the industry for mining to the other industry as well? What would happen to the workers? What would happen to the local people whom the people, the government has taken a land? What is the guarantee that land will be given back if the person who has been transferring a land to some other industry as a captive mining project? If I am, the provision should be that I should not be transferring, I should be handing over it back to the original owners of the land, if it has been privately or, you know, under the Land Acquisition Act. That should be the provision, you know, instead of, you know, giving it to sir. So these are the things which very seriously need a retrospection, you know, from our side, and to see to it that as a citizens of this country, when I look at the directive principle of the state policies, I see where are these all directive principles are being implemented in our, all the laws that we are making and all the financial resources that we are making the allocation for, and all other policies that we are making for, who these are for. I mean, these are the very basic questions that we will have to raise, and I'm raising through this, you know, in the sense, because we had worked for years and years and years and years to see it. Thousands, not lakhs and lakhs of people have been migrating toward the city, living on a pavement simply to, you know, they earn something and are working in a construction industry or domestic workers or any other thing. These are the things which worries us. And what kind of a future in the country that we intend to inherit it to the future generations which have been coming in. So this is a small bill, but its repercussion is much higher. I request you, through all of us, that look at that point of view to see to it that future generation which has been coming to us should at least take a proud that own those areas. They can have their, you know, culture, they can have the enough, all the facilities to live a decent life. I'm not talking of living wage. I'm not talking of even the fair wage. I'm not talking even the minimum wage. Unfortunately, the minimum wage has not been revised for years for agricultural laborers. What kind of a government that we are? I'm not talking your government. What kind of system that we are running in? We will have a 7-5, you know, the 5-year, the 7th pay commission. What about the, you don't have 120 or 140 rupees of agricultural labor which has been getting at present? Never thought of it. Why is this happening? We will have to look at this, sir. So I just request you, look at the bigger, you know, the ramification of whatever bill you have been. We will simply endorse it. We will simply, you know, they approve it. Nonetheless, there is no alternative. But since you are in a minister and you are coming from the very lower strata and the lower, you know, the people from it, we expect you that you really do, you know, at least something good for millions of people who have been striving to live a decent life in this country. Thank you very much, sir. Mr. Mistry ji, you can make very good speeches. Then I was wondering, then why you should shout slogan? Start speaking, wonderful speech, isn't it? So, Mr.